नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री रिसर्च एंड इंजीनियरिंग की प्लास्टिक पार्ट डिजाइन की वीडियो सीरीज में। दोस्तों, आज हमारी इस प्लास्टिक पार्ट डिजाइन के वीडियो सीरीज का चौथा वीडियो है और आज के इस वीडियो सेशन में हम डिटेल में सीखने वाले प्लास्टिक पार्ट के डिजाइन गाइडलाइन के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम डिटेल में सीखेंगे कि प्लास्टिक पार्ट डिजाइन में हमें कौन कौन से गाइडलाइन को फॉलो करना होता है, उसी के साथ प्लास्टिक पार्ट को डिजाइन करने के वक्त हमें कौन कौन से कैलकुलेशन, कौन कौन से फार्मूलों की जरूरत होती है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि आज के इस वीडियो सेशन में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिजाइन गाइडलाइन क्या होती है, किसे हम डिजाइन गाइडलाइन कहते हैं, उसी के साथ प्लास्टिक पार्ट को डिजाइन करने के लिए कौन कौन सी डिजाइन गाइडलाइन होती है, उसी के साथ दोस्तों जो हमारे प्लास्टिक पार्ट में अलग अलग फीचर होते हैं जैसे कि बॉसेस, रिब, गैसेट, इनको डिजाइन करने के लिए क्या क्या कैलकुलेशन होते हैं और क्या क्या गाइडलाइंस होती है, उसी के साथ पार्ट डिजाइन के कौन कौन से फार्मूले होते हैं, उसी के साथ जो हमारा प्लास्टिक का पार्ट होता है उस प्लास्टिक के पार्ट के ऊपर हमें कितने डिग्री का ड्राफ्ट एंगल अप्लाई करना चाहिए, उसी के साथ जो फिलेट होती है उन फिलेट की रेडियस कितनी रखनी चाहिए, उसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो सेशन में डिटेल में सीखने वाले हैं। और दोस्तों, जो हमारे स्टैंडर्ड एवं सिंपल होल होते हैं उस स्टैंडर्ड एवं सिंपल होल के लिए क्या गाइडलाइन होती है वो भी आज की इस वीडियो सेशन में हम डिटेल में सीखेंगे। उसी के साथ अंडरकट्स क्या होते हैं, अलाउंस क्या होते हैं, पार्टिंग लाइन क्या होती है और मटेरियल सिलेक्शन क्या होता है, इसके बारे में भी हम आज की इस वीडियो सेशन में डिटेल में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि अब तक आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप आज ही हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस YouTube चैनल पे मैं प्लास्टिक डिजाइन डोमेन रिलेटेड हर उस टॉपिक को सिखाने वाला हूँ कि जो टॉपिक हमें इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर कंपनी में काम करने हेतु उपयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, यदि अब तक आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप आज ही हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, तो जैसे जैसे हम नए नए वीडियो को अपलोड करते जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो सेशन को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिजाइन गाइडलाइन क्या होती है। तो दोस्तों, डिजाइन गाइडलाइन को भी हम डिजाइन कंसिडरेशन भी कहते हैं। तो जिस प्रकार दोस्तों यदि हम कोई भी काम स्टैंडर्ड रूल के अनुसार करते हैं तो दोस्तों वह काम हमारा सक्सेसफुल हो जाता है, उसी प्रकार दोस्तों यदि हम कोई भी प्लास्टिक का पार्ट हमारे इंजीनियरों ने हमें जो रूल बना के दिए उन रूल के अनुसार डिजाइन करते हैं तो दोस्तों हमारा प्लास्टिक का पार्ट हम प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्लास्टिक के पार्ट को प्रॉपर तरीके से डिजाइन करने के लिए जो इंजीनियरों ने हमें रूल बना के दिए उन रूल को ही हम डिजाइन गाइडलाइन कहते हैं, या फिर आप उसे डिजाइन कंसिडरेशन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि डिजाइन गाइडलाइन क्या होती है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डिजाइन गाइडलाइन में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो दोस्तों, डिजाइन गाइडलाइन में हमारे नंबर ऑफ फार्मूले होते हैं, नंबर ऑफ कैलकुलेशन होते हैं, नंबर ऑफ गाइडलाइंस होती है कि जिनको यूज करके आप किसी भी प्लास्टिक पार्ट को प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि यदि हम किसी प्लास्टिक पार्ट को डिजाइन गाइडलाइन का यूज करके डिजाइन करते हैं तो हमें क्या क्या एडवांटेज होंगे। तो यदि दोस्तों आप किसी प्लास्टिक पार्ट को डिजाइन गाइडलाइन को यूज करके डिजाइन करते हैं तो दोस्तों आप उस पार्ट को प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, उसी के साथ प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं, उसी के साथ आपके प्लास्टिक पार्ट के डिजाइन में जो कॉस्ट लगती है उस कॉस्ट में भी रिडक्शन आ सकती है, उसी के साथ टाइम में भी रिडक्शन आ सकता है। तो ये एडवांटेज होते हैं हमारे डिजाइन गाइडलाइन को फॉलो करने के। तो यहाँ पे हमने डिटेल में देखा डिजाइन गाइडलाइन के बारे में। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि हमें कोई प्लास्टिक का पार्ट डिजाइन करना है तो हमें कौन कौन से डिजाइन गाइडलाइन को फॉलो करना होता है। तो दोस्तों, किसी भी प्लास्टिक के पार्ट को डिजाइन करने के वक्त हमने यहाँ पे जो पॉइंट शो किए हैं उन पॉइंट के डिजाइन गाइडलाइन को फॉलो करना हमें इसेंशियल होता है। तो दोस्तों, उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा वॉल थिकनेस, वॉल थिकनेस के बाद होता है मटेरियल सिलेक्शन, मटेरियल सिलेक्शन के बाद होता है हमारा ड्राफ्ट एंगल, ड्राफ्ट एंगल के बाद होता है हमारे पार्टिंग लाइन, पार्टिंग लाइन के बाद होते हैं हमारे अंडरकट्स, अंडरकट्स के बाद होती है हमारी कोरिंग, कोरिंग के बाद होते हैं हमारे अलाउंस, अलाउंस के बाद होते हैं एस्थेटिक सरफेस फिनिश, और एस्थेटिक सरफेस फिनिश के बाद होते हैं हमारे रिप, बॉसेस, होल्स, गैसेट और कॉर्नर्स।
यदि हम इन सभी पॉइंट को प्रॉपर डिजाइन गाइडलाइन के अनुसार डिजाइन करते हैं तो हम किसी भी प्लास्टिक पार्ट को सक्सेसफुली डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सीखते हैं इन सभी पॉइंट के डिजाइन गाइडलाइन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले डिजाइन गाइडलाइन होती है हमारी वॉल थिकनेस के बारे में कि हमें वॉल थिकनेस कितनी रखनी चाहिए। तो दोस्तों किसी भी पार्ट की वॉल थिकनेस कितनी रखनी चाहिए ये मेनली डिपेंड होता है कि उस पार्ट का फंक्शन क्या होगा। तो दोस्तों यदि आपको कोई भी पार्ट डिजाइन कर रहे हैं तो उस पार्ट का फंक्शन क्या होगा उसी के अनुसार आप उस पार्ट के लिए वॉल थिकनेस असाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वॉल थिकनेस कितनी रखनी चाहिए ये डिपेंड होता है कि आप किस तरह का मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप पीपी टाइप का मटेरियल यूज करते हैं तो दोस्तों पीपी टाइप का मटेरियल 0.6 एमएम से 7.6 एमएम तक की जो वॉल थिकनेस होती है उस वॉल थिकनेस को सपोर्ट करता है। उसी के साथ दोस्तों यदि आप एबीडी टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो दोस्तों ये मटेरियल हमारा 0.8 एमएम से 3.2 एमएम तक की जो वॉल थिकनेस होती है उस वॉल थिकनेस को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हमने देखा कि वॉल थिकनेस कितनी रखनी चाहिए ये हमारा डिपेंड होता है कि हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों यदि आप रेनफोर्स टाइप का पार्ट डिजाइन कर रहे हैं तो दोस्तों आप 0.75 एमएम से 3 एमएम तक की वॉल थिकनेस रख सकते हैं। और यदि आप अनरेनफोर्स टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं तो दोस्तों अनरेनफोर्स टाइप के पार्ट के लिए आप 0.5 से 5 एमएम तक की वॉल थिकनेस रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम वॉल थिकनेस कितनी रख सकते हैं। अब दोस्तों कुछ गाइडलाइन होती है वॉल थिकनेस के बारे में। तो दोस्तों आपके पार्ट में जो सभी के सभी वॉल्स होती है उन सभी के सभी वॉल्स की वॉल थिकनेस सेम होनी चाहिए, मीन्स सभी के सभी वॉल की वॉल थिकनेस यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और यदि दोस्तों आपको किसी पार्ट में कोई वॉल थिकनेस थिन और कोई वॉल थिकनेस थिक रखना इसेंशियल है तो दोस्तों थिक और थिन सेक्शन के बीच में आप ग्रेजुअल ट्रांजिशन का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना आपको थिक और थिन सेक्शन में कभी भी सडन ट्रांजिशन का यूज नहीं करना है, आपको ग्रेजुअल ट्रांजिशन का यूज करना है। तो यहाँ पे हमने देखा वॉल थिकनेस के बारे में जो डिजाइन गाइडलाइन होती है उन डिजाइन गाइडलाइन के बारे में। अब हम यहाँ पे देखेंगे रिप के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिप क्या होता है। तो दोस्तों रिप एक ब्लेंडेड फीचर होता है कि जो किसी भी फ्लैट पार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों रिब डिजाइन के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, यदि आप इन फार्मूलों को प्रॉपर तरीके से आपके पार्ट के डिजाइन करने के वक्त यूज करते हैं तो दोस्तों आपका पार्ट सक्सेसफुल हो सकता है। तो दोस्तों रिब को डिजाइन करने के लिए रिब की हाइट कितनी होगी, तो दोस्तों रिब की हाइट होती है हमारी 3T या फिर उससे कम। उसके बाद दोस्तों बेस की थिकनेस कितनी हो सकती है रिप की, तो दोस्तों रिप की बेस की थिकनेस 0.4T से 0.8T के बीच में होती है। उसी के साथ दोस्तों रिप के ऊपर हम 0.5 डिग्री से 1.5 डिग्री के बीच में का ड्राफ्ट एंगल अप्लाई करते हैं। उसी के साथ दोस्तों दो रिप के बीच में हम 2T या फिर उससे ज्यादा का डिस्टेंस रख सकते हैं लेकिन कम का नहीं रख सकते। उसी के साथ जो रिप होती है उस रिप की फिलेट की रेडियस हम 0.25T से 0.5T के बीच में रखते हैं। तो ये कुछ फार्मूले होते हैं रिप को डिजाइन करने के लिए। तो यदि आप इन फार्मूलों को प्रॉपर तरीके से आपके पार्ट को डिजाइन करने के वक्त यूज करते हैं तो आपका पार्ट आप सक्सेसफुली डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिप डिजाइन के बारे में देखा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं बॉसेस डिजाइन की गाइडलाइन के बारे में। तो यदि दोस्तों आपको बॉसेस को डिजाइन करना है आपके प्लास्टिक के पार्ट के ऊपर तो आप यदि इन फार्मूलों को यूज करते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉसेस क्या होते हैं। तो दोस्तों बॉसेस ए फीचर होते हैं प्लास्टिक पार्ट के ऊपर जिन्हें हम एज अ लोकेटिंग फीचर और एज अ अटैचमेंट फीचर के रूप में यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि ये हमारे बॉसेस है, इन बॉसेस को हम लोकेटिंग फीचर और स्क्रू के लिए अटैचमेंट फीचर के रूप में भी यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो फार्मूले शो किए हैं उन फार्मूलों को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। ये जो सभी के सभी फार्मूले हैं ये हमारे टी के रिस्पेक्टिव है। टी मीन्स क्या होता है दोस्तों, वॉल थिकनेस। तो यहाँ पे 0.6T है, तो 0.6T का मीन्स क्या होता है 0.6 टाइम वॉल थिकनेस। इसी प्रकार सभी के सभी फार्मूले हमारे वॉल थिकनेस के रिस्पेक्टिव बनाए हैं। तो आप यहाँ पे इन सभी फार्मूलों को नोट डाउन कर सकते हैं।
यदि आप किसी भी बॉसेस को डिजाइन करने के वक्त इन फार्मूलों का यूज करते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों बॉसेस डिजाइन करने की कुछ गाइडलाइन होती है। तो दोस्तों यदि आप बॉसेस को वाल के नियर क्रिएट कर रहे हैं तो दोस्तों आप वाल और बॉसेस के बीच में रिप सपोर्ट रख सकते हैं या फिर इस तरह से गैसेट का सपोर्ट रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप बॉसेस और वाल के बीच में थिक सेक्शन नहीं रख सकते, तो इस गाइडलाइन को भी आपको फॉलो करना इसेंशियल होता है। उसी के साथ दोस्तों ये जो मैंने नीचे गाइडलाइन शो की है वो गाइडलाइन हमारी बॉसेस के बेस के ऊपर वाल थिकनेस कितनी रखनी चाहिए उसके लिए है। तो बॉसेस के बेस की जगह पे आपको वाल थिकनेस 55% टू 65% रखनी चाहिए आपके नॉमिनल वाल थिकनेस से, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे वारपे जीपे पे सिंक मार्क को अवॉइड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने बॉसेस की डिजाइन गाइडलाइन के बारे में देखा, अब हम देखते हैं गैसेट की डिजाइन गाइडलाइन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गैसेट क्या होते हैं। तो दोस्तों गैसेट ए फीचर होते हैं कि जो फीचर हम हमारे बॉसेस को या फिर साइड वाल को स्ट्रेन प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। उसी के साथ साइड वाल की बेंडिंग अवॉइड करने के लिए भी हम गैसेट का यूज करते हैं। तो जिस प्रकार आप इन दोनों इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉस है, इस बॉस को स्ट्रेन प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पे गैसेट का यूज कर रहे हैं। उसी के साथ इस साइड वाल को स्ट्रेन प्रोवाइड करने के लिए, बेंडिंग अवॉइड करने के लिए भी हम गैसेट का यूज कर सकते हैं। तो गैसेट डिजाइन के भी हमने यहाँ पे कुछ फार्मूलों को शो किया है, आप इन फार्मूलों को नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन फार्मूलों को यदि आप प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं दोस्तों आप किसी भी प्लास्टिक पार्ट में गैसेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि गैसेट डिजाइन की कौन कौन सी गाइडलाइन होती है। तो गाइडलाइंस मीन्स दोस्तों ये फार्मूले ही होते हैं, इन फार्मूलों का यूज करके आप गैसेट को डिजाइन कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों जो बॉसेस होते हैं, गैसेट होते हैं, रिब होती है, इन सभी के सभी टॉपिक के ऊपर हमने अलग से भी वीडियो बनाए। उस वीडियो में हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी के सभी इंफॉर्मेशन को आपके लिए शेयर किया है। तो यहाँ पे तो हमने सिर्फ ओवरव्यू किया है इन गैसेट बॉसेस और रिब का, तो उन जो सेपरेट वीडियो है उन सेपरेट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया है इन सभी टॉपिक के बारे में। तो इन सभी फीचर को हम किस प्रकार डिजाइन कर सकते हैं, तो यदि आपको प्लास्टिक डिजाइनिंग को डिटेल में सीखना है तो आप हमारे उन वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होता है फिलेट मींस रेडियस और कॉर्नर। तो यदि दोस्तों आपको किसी भी प्लास्टिक पार्ट के ऊपर फिलेट को यूज करना है तो दोस्तों आप इन गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिलेट क्या होती है। तो दोस्तों जो भी हमारे प्लास्टिक के पार्ट होते हैं उन प्लास्टिक के पार्ट के कॉर्नर के ऊपर शार्प एज को अवॉइड करने के लिए हम फिलेट का यूज करते हैं। अब दोस्तों शार्प एज को हम क्यों अवॉइड करते हैं, तो यदि दोस्तों हमारे प्लास्टिक के पार्ट में शार्प एज होगी तो दोस्तों स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है, उसी के साथ मोल्डिंग के वक्त पुअर मोल्ड फ्लो हो सकता है, टूल वियर हो सकती है, हमारा सरफेस एपेनस में बैड दिख सकता है। तो इनको अवॉइड करने के लिए दोस्तों हम किसी भी प्लास्टिक पार्ट के कॉर्नर के ऊपर फिलेट को यूज करते हैं। तो अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल आता है कि फिलेट की रेडियस कितनी रखनी चाहिए। तो दोस्तों किसी भी प्लास्टिक पार्ट में आप कम से कम 0.5 mm तक की रेडियस रख सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों जो जनरल फार्मूला होता है फिलेट को अप्लाई करने का, तो दोस्तों किसी भी फिलेट की रेडियस आप 0.25T या 0.5T के बीच में रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 0.25T मीन्स क्या होता है, तो दोस्तों 0.25 टाइम्स वाल थिकनेस। उसी के साथ दोस्तों आउटर रेडियस कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों जो इनर रेडियस होती है प्लस वाल थिकनेस, नहीं आपको आउटसाइड वाल थिकनेस रखनी होगी। तो यहाँ पे मैंने आउटसाइड वाल थिकनेस का भी फार्मूला आपको शो किया है। उसी के साथ दोस्तों यदि आपको किसी पार्ट में शार्प कॉर्नर रखना इसेंशियल ही है तो दोस्तों उस कंडीशन में आप एटलीस्ट 0.125 mm की रेडियस रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा फिलेट डिजाइन की गाइडलाइन के बारे में। तो दोस्तों यदि हम किसी प्लास्टिक पार्ट के ऊपर फिलेट को यूज करते हैं तो दोस्तों उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो दोस्तों फिलेट को यूज करने से हम किसी प्लास्टिक पार्ट में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन को अवॉइड कर सकते हैं, उसी के साथ मोल्डिंग के वक्त हमारा मोल्ड मटेरियल इजीली फिल हो सकता है, उसी के साथ प्रॉपर कूलिंग हो सकती है, लेस वारपेज इफेक्ट आ सकता है फिलेट की वजह से। तो यहाँ पे हमने फिलेट डिजाइन की गाइडलाइन को देखा, अब हम देखते हैं होल डिजाइन के गाइडलाइन के बारे में। दोस्तों प्लास्टिक का पार्ट डिजाइन करने के वक्त
जो हम होल अप्लाई करते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड होल हो या सिंपल होल हो, उन होल का डायमीटर हम 1.5 mm से कम नहीं रख सकते। उसी के साथ जो दो होल होते हैं, उन दो होल के बीच में आप 2T या फिर 2D से कम डिस्टेंस नहीं रख सकते। तो 2T क्या होता है? तो 2T होता है हमारा 2 times वॉल थिकनेस, और 2D क्या होता है? तो 2D होता है हमारा 2 times डायमीटर ऑफ होल। उसी के साथ किसी भी होल के ऊपर आप 0.5 degree इतना ड्राफ्ट एंगल रखना इसेंशियल होता है। आप उससे ज्यादा रख सकते हैं लेकिन कम नहीं रख सकते। उसी के साथ दोस्तों, यदि आप एक्सट्रूडेड होल को डिजाइन कर रहे हैं, तो एक्सट्रूडेड होल को आप, यदि वो ब्लाइंड होल है तो आप उनको 3D इतने डिस्टेंस तक एक्सट्रूड कर सकते हैं, या फिर और थ्रू होल है तो थ्रू होल को आप 4D इतने डिस्टेंस तक एक्सट्रूड कर सकते हैं। उससे ज्यादा आप एक्सट्रूड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने होल के बारे में गाइडलाइन को देखा, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे ड्राफ्ट एंगल के बारे में। तो ड्राफ्ट एंगल को हम टेपर एंगल कहते हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्लास्टिक पार्ट के ऊपर हम ड्राफ्ट एंगल को क्यों यूज करते हैं? तो दोस्तों, कोई भी प्लास्टिक का पार्ट मोल्डिंग करने के बाद डाई से इजीली रिमूव करने के लिए हम ड्राफ्ट एंगल को उस पार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, ड्राफ्ट एंगल हमें कितना रखना चाहिए? तो दोस्तों, किसी भी प्लास्टिक के पार्ट के ऊपर इन जनरल हम 0.5 degree से 2 degree के बीच में ड्राफ्ट एंगल रख सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों, जो वर्टिकल फेसेस होते हैं, उन वर्टिकल फेसेस के ऊपर हम 0.5 degree इतना ड्राफ्ट एंगल रख सकते हैं। उसी के साथ यदि आपके पार्ट पे लाइट टेक्चर है, तो लाइट टेक्चर के लिए आप 3 degree इतना ड्राफ्ट एंगल रख सकते हैं। उसी के साथ यदि हेवी टेक्चर है, तो हेवी टेक्चर के लिए आप 5 degree या फिर उससे ज्यादा ड्राफ्ट एंगल रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्राफ्ट एंगल के लिए जो गाइडलाइन होती है, उन गाइडलाइन को देखा। अब हम देखते हैं यहाँ पे श्रिंकेज अलाउंस के बारे में। तो दोस्तों, जो भी हमारे प्लास्टिक के पार्ट होते हैं, वो हम बनते हैं हमारे प्लास्टिक मोल्डिंग से। तो दोस्तों, प्लास्टिक मोल्डिंग में, मोल्डिंग होने के वक्त जैसा जैसा हमारा पार्ट सॉलिडिफाई होता है, तो सॉलिडिफाई होने के वक्त उस मोल्ड का वॉल्यूम रिड्यूस होता रहता है, उसे ही हम श्रिंकेज कहते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग पार्ट के लिए श्रिंकेज की अलग अलग वैल्यू होती है। तो दोस्तों, ये जो सभी पार्ट के लिए जो श्रिंकेज की अलग अलग वैल्यू होती है, उस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाए मटेरियल प्रॉपर्टीज के नाम से। तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि अलग अलग मटेरियल के लिए क्या क्या वैल्यू होती है श्रिंकेज अलाउंस की। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है। तो दोस्तों, यदि आप ABS टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो दोस्तों ABS टाइप के मटेरियल के लिए आप 4% से 9% तक का श्रिंकेज अलाउंस असाइन कर सकते हैं। उसी के साथ यदि आप PS टाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो PS टाइप के मटेरियल में 0.4% से 0.7% तक श्रिंकेज हो सकता है। तो यहाँ पे हमने श्रिंकेज की गाइडलाइंस देखी। अब दोस्तों देखते हैं कोरिंग के बारे में क्या गाइडलाइंस होती है। तो दोस्तों, यदि हम किसी प्लास्टिक पार्ट में इस तरह से डिजाइन करते हैं कि जिसमें थिन सेक्शन भी होगा और थिक सेक्शन भी होगा, तो दोस्तों थिक सेक्शन के पास क्या होता है? तो दोस्तों, किसी भी प्लास्टिक पार्ट में जो थिक सेक्शन होता है, वहां पे प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं होती। अब दोस्तों, प्रॉपर तरीके से कूलिंग न होने के कारण उस पार्ट के ऊपर सिंक मार्क क्रिएट होते हैं। तो दोस्तों, सिंक मार्क को अवॉइड करने के लिए हमें उस पार्ट में जो एक्सेसिव मटेरियल होता है थिक वॉल सेक्शन में, उस एक्सेसिव मटेरियल को रिमूव करना होता है। तो उस मेथड को ही दोस्तों हम कोरिंग कहते हैं। तो दोस्तों, कोरिंग के क्या एडवांटेज होते हैं? तो दोस्तों, कोरिंग से हमें मटेरियल भी कम लगता है, उसी के साथ मटेरियल की स्ट्रांगनेस, स्ट्रेंथ एवं रिजिडिटी भी इंक्रीज हो जाती है। उसी के साथ लेस कॉस्ट लगती है, लेस मटेरियल लगेगा तो कॉस्ट भी लेस हो जाएगी। उसी के साथ यूनिफॉर्म वाल थिकनेस को मेंटेन कर सकते हैं, सिंक मार्क को अवॉइड कर सकते हैं। तो एक कुछ एडवांटेज होते हैं हमारे कोरिंग के। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोरिंग क्या होती है और कोरिंग हमें क्यों करनी चाहिए। तो कोरिंग के हमने गाइडलाइन यहाँ पे देखे। अब हम देखते हैं यहाँ पे अंडरकट्स के बारे में। तो दोस्तों, अंडरकट्स क्या होते हैं? तो दोस्तों, अंडरकट्स ये वह फीचर होते हैं कि जो फीचर मोल्डिंग करने के बाद जब हम पार्ट को डाई से निकालते हैं, तो पार्ट को डाई से निकालने के लिए जो फीचर हमारे ट्रबल क्रिएट करते हैं, उन फीचर को हम अंडरकट्स कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि यदि हमें इस तरह का फीचर मोल्डिंग के बाद डाई से निकालना है, तो इस तरह का फीचर हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है, या फिर इस तरह के होल भी हमारे लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन फीचर को ही हम अंडरकट्स कहते हैं। तो दोस्तों,
प्रॉपर तरीके से डिजाइन करने के वक्त हमें इन अंडरकट्स को अवॉइड करना चाहिए। अब दोस्तों क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अंडरकट को मोल्डिंग डाई से रिमूव करने के लिए जो मैकेनिज्म होता है उस मैकेनिज्म की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए दोस्तों हमें अंडरकट्स को अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों अंडरकट को अवॉइड करने के लिए जो अप्रोच होते हैं वो होते हैं हमारे कैविटी कट ऑफ अप्रोच, उसी के साथ मोल्ड नॉक पिन थ्रू ओपनिंग इन पार्ट, ये अप्रोच होता है। तो दोस्तों इन अलग अलग अप्रोच से आप अंडरकट्स को अवॉइड कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों यदि आपको अंडरकट्स इसेंशियल ही है तो आप उन अंडरकट को मोल्ड डाई से रिमूव करने के लिए कुछ मैकेनिज्म का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अंडरकट्स क्या होते हैं, अंडरकट के कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं डाई से रिमूव करने के लिए, उसी के साथ जो सभी अप्रोच होते हैं अंडरकट को अवॉइड करने के लिए, उस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अंडरकट के बारे में क्या गाइडलाइंस होती है उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे देखते हैं पार्टिंग लाइन के बारे में। तो दोस्तों पार्टिंग लाइन को भी हम स्प्लिट लाइन भी कहते हैं। तो दोस्तों आप सब ने किसी भी पार्ट के ऊपर इस तरह से पार्टिंग लाइन देखी होगी। तो दोस्तों पार्टिंग लाइन क्या होता है, तो दोस्तों मोल्डिंग करने के वक्त हमारा जो मटेरियल होता है वह मटेरियल का कुछ हिस्सा हमारा कोर में होता है और कुछ हिस्सा हमारा कैविटी में होता है। तो दोस्तों कोर और कैविटी ये मोल्डिंग डाई के दो पार्ट होते हैं। तो दोस्तों जिस पोजिशन पे हमारा कोर डाई और कैविटी डाई आपस में मिलते हैं उस पोजिशन पे हमारी इस तरह की लाइन क्रिएट होती है, उस लाइन को ही हम कहते हैं पार्टिंग लाइन। तो दोस्तों किसी भी पार्ट को डिजाइन करने के वक्त उस पार्ट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा हमारा कोर के बीच में होना चाहिए और कम से कम हिस्सा हमारा कैविटी के बीच में होना चाहिए। तो इस पार्टिंग लाइन के गाइडलाइन को हमें पार्ट को डिजाइन करने के वक्त फॉलो करना इसेंशियल होता है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है हमारा मटेरियल सिलेक्शन। तो दोस्तों किसी भी प्लास्टिक पार्ट में यदि वो सक्सेसफुल होगा तो दोस्तों उसके पीछे मटेरियल सिलेक्शन का रोल होता है, क्योंकि दोस्तों यदि आप प्रॉपर तरीके से मटेरियल सिलेक्ट करते हैं तो ही दोस्तों आपका पार्ट सक्सेस होता है। तो दोस्तों किसी प्लास्टिक पार्ट को डिजाइन करने के वक्त मटेरियल सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पे हमने जो पॉइंट को शो किया है उन पॉइंट को फॉलो करना हमारे लिए इसेंशियल होता है। तो दोस्तों मटेरियल सिलेक्शन करने के वक्त सबसे पहले हमें कंसिडर करना होता है कि हमारे पार्ट का वर्किंग टेम्परेचर क्या होगा, उसी के अनुसार हमें मटेरियल को सिलेक्ट करना होता है। उसी के साथ आप जो मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी, वह मटेरियल मार्केट में इजीली अवेलेबल है या नहीं है, उस मटेरियल पे कोई आपके गवर्नमेंट के कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है। उसी के साथ आपको जो स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, फिनिशिंग रिक्वायर्ड है, वह मटेरियल दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये भी आपको चेक करना होता है। उसी के साथ आपने जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वह मटेरियल आपने यूज की हुई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए कैपेबल है या नहीं है, ये भी चेक करना होता है। उसी के साथ आप जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो आपके पार्ट की वर्किंग कंडीशन के लिए या फिर केमिकल या एनवायरनमेंट कंडीशन के लिए कोई टॉक्सिक नेचर का केमिकल तो नहीं क्रिएट करता, ये भी आपको चेक करना होता है। उसी के साथ आपके मटेरियल का वेट कितना होता है ये भी आपको चेक करना होता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट होते हैं मटेरियल सिलेक्शन के, कि इन पॉइंट को आपको मटेरियल सिलेक्शन करने के वक्त फॉलो करना इसेंशियल होता है। तो दोस्तों मटेरियल सिलेक्शन पे एक हमने अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो में हमने इन सभी टॉपिक को एक एक करके डिटेल में समझाया है और मटेरियल सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या होती है उसी के साथ मटेरियल सिलेक्शन का क्या क्या स्टेप्स होती है उन सभी के बारे में हमने उस वीडियो में डिटेल में समझाया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो सेशन में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि डिजाइन गाइडलाइन क्या होती है, उसी के साथ बॉसेस रिप कैसेट के लिए क्या क्या डिजाइन फार्मूले होते हैं, कैलकुलेशन होते हैं, गाइडलाइन होती है, उसी के साथ पार्ट डिजाइन के लिए कौन कौन से फार्मूले होते हैं, ड्राफ्ट एंगल कितना रखना चाहिए, कॉर्नर पे रेडियस कितनी रखनी चाहिए, स्टैंडर्ड एवं सिंपल होल के लिए क्या क्या कैलकुलेशन होते हैं, क्या क्या गाइडलाइंस होती है, अंडरकट्स क्या होते हैं, अलाउंस क्या होती है, पार्टिंग लाइन क्या होती है, मटेरियल सिलेक्शन क्या होता है उसके बारे में। तो दोस्तों यदि अब तक आपने हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप आज ही हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, तो जैसे जैसे हम नए नए वीडियो को अपलोड करते जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे कि जो प्लास्टिक के अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग फीचर होते हैं, उनको किस प्रकार डिजाइन किया जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।